अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बैंकिंग सेक्टर का एक पैनी शेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में पैनी स्टॉक्स में दिलचस्पी रखते हैं और वो चाहते हैं कि कम कीमत वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ज़्यादा क्वान्टिटी में शेयर बाई करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो बहुत से लोग पैनी स्टॉक्स में काम करते हैं और पैनी स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स लगते हैं। और जिस स्टॉक्स की आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बैंकिंग सेक्टर से इसका ताल्लुक है। और ये पैनी स्टॉक्स 5 रुपये का शेयर है, 5 रुपये, और इसने अभी डिविडेंड दिया है 1 रुपये का। तो कंपनी आप देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर ने एक रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है पिछले 2 से 3 महीने में, और इस वक्त रिजल्ट जो बता रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर उरूज पर जा सकता है। और नई बुलंदियों पर जाने का मकसद ये है कि आज जो स्टॉक 5 रुपये का है, वो कल 10 रुपये का भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा से आपने जो स्टॉक मार्केट में बिज़नेस किसी भी कंपनी का अगर ग्रो कर रहा है या कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है, अर्निंग को बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा और गारंटी बढ़ता है। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक स्टॉक सुनहरी बैंक को डिस्कस किया था। सुनहरी बैंक जो उस वक्त 9 रुपये या 10 रुपये पे था, और इसने 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने, और साथ साथ शानदार रिजल्ट इसने दिया था। तो उसके बाद आप देखेंगे, ये 3 रुपये का डिविडेंड दिया था और फिर ये 12 रुपये पर जाके ट्रेड होने लगा, और अभी इसने विद इन अ 1 वीक में 1 रुपये का गेन दिया है। तो 1 रुपये का जो गेन होता है, वो छोटे स्टॉक में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है सर, वो कहाँ जाने वाला है। और बहुत सारी ऐसे बैंक्स हैं जिसमें UBL है, MCB है और HBL बैंक है। तो ये बैंक्स जो है, वो एक ब्लू चिप कंपनीज बन चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो छोटे बैंक्स हैं, इनमें अभी पोटेंशियल है कि ये आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो जिस स्टॉक्स को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है बैंक ऑफ पंजाब, जो कि BOP के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है, और इस वक्त ये पैनी शेयर बन चुका है। करंट प्राइस की बात करूँ तो इस वक्त 6 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक को डिस्कस करने की वजह यह है कि इसमें 1 रुपये का डिविडेंड भी है, तो ऑलमोस्ट ये 5 रुपये वाला शेयर है जिसने 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो छोटा शेयर है, लेकिन बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है इसने अपने प्राइस के हिसाब से। तो प्रॉफिट में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है, ऑलमोस्ट 20% का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। मार्केट कैप इसकी 20.41 बिलियन की है, तो एक बड़ी कंपनी है बैंक ऑफ पंजाब। और बदकिस्मती से शेयर का जो प्राइस है, वो काफ़ी नीचे चला गया है, लेकिन ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे वापस जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो 15 से 20 रुपए के दरमियान है ऑलमोस्ट। बैंक्स जिन्होंने इस साल रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, चाहे कोई भी बैंक हो, सारे बैंक्स इस वक्त प्रॉफिट में हैं। और आप देखें कि बड़े बड़े बैंक्स जो है, वो उनकी अर्निंग में कई गुना इजाफा हुआ है। बैंक्स की अर्निंग इस वजह से बढ़ रही होती है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट इनको मिल रहा होता है अच्छा, और इनके जो रिज़र्व होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। तो बैंक का बेसिकली जो कोर बिजनेस है, वो यही है कि रेवेन्यू जनरेट करना अपने कस्टमर से। तो बैंक ऑफ पंजाब की इस वक्त अर्निंग बहुत अच्छी आई है। अगर अर्निंग की बात करूं तो 2023 में चारों क्वार्टर की अर्निंग इसकी 3.47 है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले में इंक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्रीज़ ये आगे अपना बरकरार रखता है, तो स्टॉक का जो प्राइस है, वो डबल हो सकता है फ्यूचर में। बुक वैल्यू इसकी 23 है, और अभी इसने डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपये का। तो 5 रुपये का शेयर है और 1 रुपये का डिविडेंड है, तो बहुत अच्छा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा शेयर है, फ़ायदा देगा आपको। हिस्ट्री का इसका 130 है, जो 2005 में इसने बनाया था। आप देखें, 130 रुपये वाली कंपनी अब 5 रुपये पर जाके ये ट्रेड हो रही है कंपनी। तो कंपनी में बहुत पोटेंशियल है इस बैंक में, और बैंक्स हमेशा से प्रॉफिट में रहता है, चाहे कोई भी बैंक हो। तो बैंक्स का जो बिज़नेस है, वो दिन ब दिन प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आप लोग जो लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पैनी स्टॉक्स इस वक्त राइट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है।
व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइमली आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊं जो आपको शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और डिविडेंड देने वाले शेयर में आपको बताता हूं, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं। हमेशा डिविडेंड और बोनस देने वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको लॉस ना हो। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने बैंक ऑफ पंजाब को आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स अपनी राय दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।